हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमिता। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूं मिक्स ग्रीन चटनी, जिसमें कि मैंने सब कुछ चना दाल, नारियल, हरा धनिया, अदरक सब कुछ ऐड किया है। तो इसको हम तो ग्रीन चटनी नहीं बोल सकते हैं या कोकोनट की चटनी नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है ग्रीन चटनी। तो मेरे वीडियो को आप एंड तक देखिए, मैंने कैसे बनाया है मिक्स ग्रीन चटनी, तो आप एक बार जरूर ऐसे ट्राई कर सकते हैं। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं मिक्स ग्रीन चटनी बनाना। हाँ तो फ्रेंड्स, मिक्स ग्रीन चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा हरा धनिया, जिसको अच्छे से धो के कट कर दिया है, थोड़ा सा अदरक लिया है, दो हरी मिर्ची लिया है और थोड़ा सा नारियल लिया है। नारियल को देखिए ऐसे आपको छीलना पड़ेगा, छील के ही छोटा छोटा ऐसे कट कर सकते हैं या तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। और मैंने थोड़ा सा चना दाल लिया है और थोड़ा सा दही लिया है। तो हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे, नारियल को डाल देते हैं, फिर हरी मिर्ची, अदरक, हरा धनिया डाल देंगे और जो हमने चना दाल लिया है चना दाल को भी डाल देते हैं। तो ये जो मैंने चना दाल डाल दिया है अभी अभी इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। दही को हम बाद में ऐड करेंगे, पहले हम चना दाल और ये सब जो हमने डाला है नारियल नारियल, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के हम पीस देंगे। तो मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के हम क्या करेंगे इसको पीस देंगे। तो चलिए फिर उसके बाद हम दही ऐड करेंगे, दही ऐड करके फिर पीसेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैंने पीस दिया है हरा धनिया, नारियल और चना दाल को। अभी हम क्या करेंगे, तीन चम्मच हम दही ले लेंगे, दही को इसमें ऐड कर देंगे। देखिए 3-4 चम्मच कर सकते हैं। अभी फिर से हम क्या करेंगे, दही को हमने डाल दिया है तो अभी एक बार और चला लेंगे, उसके बाद हम तड़का लगाएंगे हमारे चटनी में, मिक्स चटनी में। तो चलिए मैं एक बार चला देती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैंने चटनी को पीस के एक कटोरी में निकाल दिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए एक तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए मैंने गैस पे एक कलछुल चढ़ा दिया है, तेल भी डाल दिया है, मैंने नारियल तेल लिया है 1.5 चम्मच, आप वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं। अभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा इसमें सरसों डाल देते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगी, जो मैंने चना दाल लिया था, चना दाल को मैंने 5 घंटे पानी में भिगो दिया था, फिर ड्रेन करके पानी को फिर मैंने पीसा है। तो आप क्या करेंगे ना, चना दाल को आपको 4 से 5 घंटे भिगो के रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको पीसना पड़ेगा उस। तो देखिए अभी इधर हमारा जो तेल गरम हो गया है, सरसों भी तड़क, अभी हम गैस को बंद कर देते हैं। बंद करके इसमें हम क्या करेंगे, कड़ी पत्ता डाल देंगे। देखिए कड़ी पत्ता को फ्रेंड्स मैंने धो के अच्छे से कपड़े में पोंछ दिया था, पानी रहता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने जो चटनी बनाया है उसके ऊपर डाल देते हैं। देखिए तो हमारी ग्रीन चटनी अभी बनके रेडी हो गया है। इसको आप चपाती या तो जैसे डोसा, इडली के साथ खा सकते हैं। फ्रेंड्स आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।